इतने टाइम बाद फ्रेश मिल्क आया है। दिले खराब हो रहे हैं। नेस्ले का सीरियल्स वाला आटा है, चक्की ब्राउन वाला आटा होता है। मैं एक पाँव से चूल्हा जला रही होती हूँ, रोती रहती हूँ, और कोई काम नहीं है तुम्हें। मैं इतनी लेजी हो रही हूँ आज, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा तैयार होने का। Hello and assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? Hope you all are doing great, and yes, once again welcome back to my YouTube channel. You guys are watching me from Lisbon, Portugal. So let's start the vlog. Vlog start ho raha hai Sunday se. Mashallah, to aaj itne time baad fresh milk aaya hai. Ye 6 liter ka galon hai, gallon. To mere husband 3 gallons leke aaye the, 2 maine freeze kar diye because kafi dur se milta hai ye, aur isko main kar lungi boil. अच्छा जनाब, तो आज बहुत ही अच्छा दिन गुजरा मेरा, और आज संडे भी था, और संडे को मज़े की बात ये थी कि आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, और आज हम इनवाइटेड थे, और काफ़ी टाइम बाद जो है ये फ्रेश मिल्क आया था, तो मैंने सोचा कि इसको बॉईल कर लूँ क्योंकि काफ़ी दूर से मिलता है। तो मेरे हस्बैंड 3 गैलन्स लेकर आ गए थे, तो एक तो मैंने बॉईल कर लिया था, तो मैं पूरा बॉईल कर लेती हूँ, कभी तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है, कभी मुझे लगता है कि नहीं ख़त्म हो सकता तो फिर मैं उसको फ्रीज कर लेती हूँ। ज़्यादा दिन फिर रखा रहे तो वो ख़राब हो जाता है, तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ कि चीज़ों को ख़राब ना होने दिया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से रखा जाए। ये वाला खिलाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर एनीवेज, बन रहा है फ्रूट चाट। दिस इज़ फ्रेश ऑरेंज जूस जो कि मैंने अपने खूबसूरत हाथों से निचोड़ के निकाला है। एनीवेज, दिस इज़ फ्रेश ऑरेंज जूस, सम ग्रेव्स, एप्पल। और बन क्यों रहा है? क्योंकि केले ख़राब हो रहे हैं, या तो केले ख़राब होते हैं तो शेक बनता है, या तो इस तरीके से फ्रूट चाट हम बना के खाते हैं, क्योंकि इतने सारे केलों का बंदा कितने केलों का शेक बना के पिएगा। तो केले इस फॉर्म में खा लिए जाते हैं। हमने आज रात में दावत में भी जाना है, लकीली वी आर इनवाइटेड। हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें इतनी इज्जत दी, उन्होंने कहा है कि आप आएँ हमारे साथ खाना खाएँ। हमने एक दो बार तो मना किया, मैंने कहा चलो यार खा ही लेते खाना। एनीवेज, तो हमने कोई ब्रेकफास्ट शेकफास्ट नहीं किया था खास, तो दोपहर के टाइम में मैंने कहा चलिए फ्रूट खा लेते हैं, हेल्दी भी होते हैं। और ये एप्पल्स हैं, और देखूंगी मैं, अगर मुझे ऑरेंज जूस कम लगा तो मैं ऑरेंजेस और जो है वो डाल दूंगी। सो एक घरेलू सुगड़ घरवाली की निशानी यही होती है, वो चीज़ें ज़ाया नहीं होने देती। इसको ख़त्म करने के लिए ये आया है और ऑरेंजेस आए हैं। सो यस, और हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था। जो लोग पूछ रहे थे आप आटा कौन सा यूज़ कर दिया, आटा तो ये नेस्ले का सीरियल्स वाला आटा है, और ये फुल चक्की ब्राउन वाला आटा होता है, किसी दिन दिखाऊंगी मैं। और इस तरीके से हम काम करते हैं। मैं एक पाँव से चूल्हा जला रही होती हूँ, और एक पाँव से एक पाँव से नहीं, एक हाथ से मैंने करना है काम। सो लेट्स डू इट। ग्रेप्स, मम्मा गिव मी ग्रेप्स। तोड़ के खा लोगे खुद ही? खुद तोड़ के खा लोगे? बोलो यस। बोलो यस। आई विल ईट। गो गो इन द रूम, इसको लेके जाए। बाय बाय। अच्छा, वैसे हमेशा से ना मुझे फ्रूट कटिंग का काम कोई इतना ख़ास पसंद नहीं होता था, बिकॉज़ इसमें हाथ इतने गंदे हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं, और मुझे पता नहीं क्या बीमारी है। लाइक एवरी टाइम हर फ्रूट काटते हुए मैं स्विच करूँगी, अपना हाथ वॉश करूँगी, और इस तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते मेरे हाथ लाइक अजीब से गंदे से हो जाते हैं, तो आई प्रेफर कि वो हाथ क्लीन हो, फिर ही मैं दूसरा लाइक स्टेप पे जो है वो मूव ऑन हूँ। हाउ यू गाइस डील विद द बनानाज, अगर वो हल्के हल्के से जो है वो नरम पड़ जाएँ या रोटन होना स्टार्ट हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? हर वक्त रोती रहती हो, और कोई काम नहीं है तुम्हें? हर वक्त रोती रहती हो, डोंट नीड टू स्टॉप बटरिंग, आई नीड टू डू वर्क। Stop buttering, I need to do work. Just a second, okay? Just give me 20 minutes. Just give me 20 minutes. अच्छा, बच्चे की दुनिया में आने के बाद शुरू के जो 2 महीने हैं ना, वो बहुत ही फजूल होते हैं। मतलब बिल्कुल, एक तो इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है बच्चे को, और हमें बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा होता माँ को, ठीक है, थके हारे हो रहे होते हैं। और जैसे ही बच्चा 3 मंथ्स का होता है तो इतना मज़ेदार हो जाता है। एक्चुअली मैं बहुत इंजॉय करती हूँ मेरे हाल के साथ, दिन कहाँ जाता है पता नहीं लगता। मैंने अपने हस्बैंड से स्ट्रॉबेरीज मंगाई थी, बट स्ट्रॉबेरीज नहीं मिली थी, फिर वो ग्रेप्स लेके आ गए थे। मैंने कहा चलो एंड तक ही करना है,
तो मैंने कुछ ना कुछ करके डाल ही ली। फ्रूट चाट, योर फ्रूट सैलेड इज रेडी टू ईट। आई गेस आई शुड हैव एडेड मोर बनानास, सारे तो मैंने डाल ही लिए थे, सो आई गेस मुझे और डालने चाहिए। फ्रूट सैलेड मुझे इस तरीके से पसंद है जिसमें ज़्यादा जूस होता है। अच्छा, बच्चों की जो नानियाँ दादियाँ होती हैं ना, उनको बड़ा शौक होता है कि बच्चों को कपड़े सी के पहनाएं। तो अब मिराल का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा, तो आई एम जस्ट कीनली वेटिंग उनकी दादी ने जो है वो उसके लिए कपड़े लाइक इतनी क्यूट से शलवार कमीज फ्रॉक्स वगैरह सी के भेजे हैं। तो बस वो पार्सल आएगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। रेडी, और मैं इतनी लेजी हो रही हूँ आज, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा तैयार होने का। पीछे मिराल रो रही है, तो बस मैं ये मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, इसके ऊपर ये रोज गोल्ड सीरम और फाउंडेशन। अच्छा, यहाँ पोर्चुगल आने के बाद मैं इतना मिनिमल मेकअप करने लगी हूँ, मतलब यूजुअली बस मेरा मेकअप एक बीबी क्रीम होती है, मॉइस्चराइजर, बीबी क्रीम, मस्कारा और टेंट, दैट सेट। मैं कुछ भी नहीं लगाती क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। दूसरा, आजकल का जो ट्रेंड है वो बहुत मिनिमल मेकअप का हो गया है, और यहाँ पोर्चुगल में मैंने किसी को भी ओवर डन नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के लिपा तूफी लगा कर निकल रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान में निकल जाते हैं। पीछे मिराल रो रही थी, इनमें से भी मैंने कुछ ही लगाया है चेहरे पर, बस यहाँ पर मैं उल्टा सीधा तैयार हो गई। मैंने ये जोड़ा पाया है, ये जोड़ा मेरा तकरीबन 4 साल पुराना है, मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आ गया। हल्का सा मुझे फील हो रहा था कि यार लाइक बहुत ज्यादा लूज नहीं है। अब मुझे फॉल वाले कपड़े का यही मजेदार कमाल होता है कि आप बड़े स्लिम एंड स्मार्ट लगते हैं। दरअसल मजा तो तब है कि जब आपको कोई देखे और बोले अच्छा आपके दो बच्चे हैं, अच्छा लगता तो नहीं है। खैर, चलते हैं गाड़ी की तरफ। चलो चलो चलो, वेयर आर यू अली भाई? तो हम यहाँ पर आए हैं कसूर दरबार, और बिलीव मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम हियर, आई हैवन्ट ट्राइड देयर फूड बिफोर, और लिटरली आई एम स्पीचलेस। इतना अच्छा खाना था इनका, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। एंड यहाँ पोर्चुगल में जितने भी देसी रेस्टोरेंट है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वेकेंट नहीं होते हैं, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है इस तरीके से उन लोगों को। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा इंटीरियर होता है, जो यहाँ के लोकल्स हैं जो पोर्चुगीज रेस्टोरेंट वो काफ़ी फैंसी डेकोरेट हुए हुए होते हैं। अच्छा, पोर्चुगीज से बड़े मज़े की बात मुझे याद आ गई, मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पर बोलते हुए देखा है इट्स बेसिकली पोर्चुगल इन इंग्लिश एंड पुर्तगाल इन पुर्तगेज, तो वो मिला के लोग बोलते हैं पुर्चुगाल, इट्स नॉट पुर्चुगाल, इट्स पोर्चुगल और इट्स पुर्तगाल। एनीवेज, यहाँ का ये मेन्यू कार्ड था, हम सेलेक्ट कर रहे थे कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो हमने इनसे पूछा कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, तो दे टोल्ड अस कि ये मटन रोश और काबुली पुलाव और मिक्स प्लेटर वगैरह बड़े मज़े का है। तो हम आ रहे फ्रेंच फ्राइज, आ रहे हैं। वी हैव आस्क्ड देम कि स्मेल तो नहीं आएगी मीट में से, और दे सेड कि अगर आए तो वापस कर देगा। सो दिस वाज देयर स्पेशल प्लेटर, बारबेक्यू प्लेटर। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी वाज वेरी नाइस, और साथ में हमने सैलड ऑर्डर की थी, रायता ऑर्डर किया था, नान ऑर्डर किए थे। बट एक कहते हैं ना कि आप सब कुछ ऑर्डर कर दो, बट एक चीज़ होती है जो विन विन होती है। द काबुली पुलाव वाज वेरी नाइस, मीट बहुत टेंडर था, राइस बहुत फ्लेवरफुल थे, एंड दिस मटन रोश ये मैंने पहली बार खाया है, आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं लिटरली वेट कर रही हूँ कि मैं दोबारा कब खाऊं, बहुत ही मज़े का था, विन विन डिश थी। अगर कोई यहाँ पर रहता है और देसी खाना ट्राई करना चाहता है तो गो अहेड, इनका खाना बहुत मज़े का था, नान वगैरह। आई गिव देम 9 out of 10 वो इसलिए बिकॉज जो आई बिलीव कि जो काबुली पुलाव के राइस की सर्विंग थी वो थोड़ी कम थी, बिकॉज गोश्त बोटी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। तो येस, वी इन्जॉयड अलॉट, काफ़ी सारा खाना था, मज़े का खाया हमने। और मज़े की बात ये कि हमने एक दूसरे की कंपनी बहुत इन्जॉय की, जिन फ्रेंड्स के साथ हम गए हुए थे। उसने भी एक कहने लगी थी ना, बहुत मज़े गए ना। आलू अच्छा, वो नहीं जब दम, हाँ बेक तंदूर में बनता है, मैं खासे हाँ बेक पोटैटो, अरे तो मज़ा चीज़ है, बहुत मज़े गए। So yes, we are done and food was so good. We are definitely gonna come here again. और मीठे में हमने इनकी खीर ऑर्डर की थी बिकॉज इसके अलावा उनके पास और कुछ था नहीं। So yes, it was good. बस हल्का सा आई फील के थोड़ा सा केवड़ा ज़्यादा डाला हुआ था, बट देन इट्स ऑल गुड। हम करेंगे घर जाने की तैयारी। मज़े की बात ये कि हम रेस्टोरेंट में एंटर ही हुए थे और मिराल मोहतरमा ने जो है वो शी जस्ट पूप्ड, और इनके पास कोई जगह नहीं थी साफ़ करने की। मतलब मैं जिस चीज़ से डरती हूँ ना, मेरे साथ हमेशा वही हो जाता है। एनी वेज, थैंक यू फॉर द डिनर भाई एंड सामिया, सेम हियर, एंजॉयड अ लॉट। हाँ जी, सुसु करे एंजॉय। हाँ जी, बहुत मज़ा आया।